विधायक को फिर कह रहा हूँ कि जो सात बेटों के गोली लगवाई है तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। नौजवान साथियों, ये दो लोगों का आमना सामना है, सियासी संघर्ष जिसमें मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। वो लोग कौन हैं जो चुनाव को मुद्दों से हटाकर हिंदू मुसलमान वाला बना देते हैं? अगर आपको जानना और अच्छी तरह समझना है तो आपको धौलाना विधानसभा की तस्वीर देखनी पड़ेगी। सबसे पहले गाजियाबाद के धौलाना विधायक असलम चौधरी का बयान सुनिए। विधायक को फिर कह रहा हूँ कि जो सात बेटों के गोली लगवाई है तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। नौजवान साथियों, बहुत सारे हिसाब किताब है, अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। धौलाना विधायक असलम चौधरी ने यह बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। एक जनसभा में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को देख लेने तक की धमकी दे रहे हैं। सपा नेता और धौलाना विधायक असलम चौधरी ने खुलेआम कहा है कि वो नंद किशोर गुर्जर के पुश्तों को देख लेंगे, पर असलम चौधरी ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 7 लोगों को गोली लगी। ये मामला तूल पकड़ता गया और यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर कई सवाल उठने लगे। जिन लोगों को गोली लगी थी उन पर गौ तस्करी का गंभीर आरोप था और असलम चौधरी को ऐसा लगता है कि एनकाउंटर बीजेपी नेता नंदकिशोर गुर्जर के इशारे पर हुआ है। विधायक को फिर कह रहा हूँ कि जो सात बेटों के गोली लगवाई है तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। नौजवान साथियों, बहुत सारे हिसाब किताब है, अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। असलम चौधरी हाल ही में बसपा से सपा में शामिल हुए हैं। असलम चौधरी के इस बयान से खुलेआम हिंदू मुसलमान वाले हालात पैदा हो गए। असलम चौधरी के इस बयान से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। असलम चौधरी के इस बयान से उनको फायदा मिले या ना मिले, समाजवादी पार्टी को फायदा मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। इस बयान से नंदकिशोर गुर्जर को जरूर फायदा मिल चुका है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर अब इसे हिंदू पॉलिटिक्स की लाइन पर खेल रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर भी खुलकर हिंदू पॉलिटिक्स करते आए हैं और असलम चौधरी खुलकर मुसलमान पॉलिटिक्स, जिससे अब ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान बन चुका है। वैसे नंदकिशोर गुर्जर ने फौरन अपनी प्रतिक्रिया दी है और असलम चौधरी को अनपढ़ बताया है। देखिए, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी बात का क्या बुरा मानना है, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। अखिलेश यादव दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 20-20 घंटे चुनावी प्लानिंग कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ नेता उनके लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। जरूरत है असलम चौधरी जैसे बेलगाम नेताओं को कंट्रोल में रखा जाए, जिससे समाजवादी पार्टी को चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े।